नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रितु महेश्वरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। वकील मोकिल रोहतगी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अवमानना के एक मामले में पेश होने में विफल रहने के बाद न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु महेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने महेश्वरी को तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि आईएएस अधिकारियों को अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने पर अप्रिय परिणामों का सामना करना चाहिए। बीते सोमवार को चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप एक आईएएस अफसर हैं, आपको नियम पता है, आप जानती हैं, हम प्रतिदिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से देखते हैं कि आदेशों का उल्लंघन होता है, ये रूटीन है, हर रोज एक अधिकारी को आकर अनुमति लेनी पड़ती है, ये क्या है, आप अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं करती, यदि आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते तो फिर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब रितु महेश्वरी को राहत मिलती हुई नजर आई। अमरोहा के रेहरा थाना क्षेत्र के रडियाल चौकी इलाके में दो बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बारात से लौट रहे मासूम सहित 5 लोगों की जान चली गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर शुक्ला ने दी है और 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। आज थाना आदमपुर के रहरा गवां रोड पर रात्रि लगभग 8 बजे मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई तथा सड़क दुर्घटना में 5 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई तथा 3 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना मिलने पर उच्चाधिकारीगण व स्थानीय एसओ आदमपुर में फोर्स पहुंचे। जो मृतक थे उनका विधिक कार्रवाई के बाद शव को वास्ते पीएम भेज दिया गया है तथा जो घायल थे उनको चिकित्सालय भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर के नेहटौर इलाके में पटाखा गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह का बयान सामने आया, कहा कि संपूर्ण तथ्यों की जांच की जाएगी। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, कोई जनहानि नहीं हुई है। 3 लोग झुलसे हैं जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। लाइसेंसी पटाखा गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लगने के चलते 3 लोग झुलस गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने 3 को उपचार के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है। कस्बा नहटौर के नूरपुर रोड पर आउटर साइड में मुबारक हुसैन और शाहिद हुसैन नाम के 2 सगे भाइयों की पटाखा बनाने एवं भंडारण तथा बेचने की दुकान थी। लगभग 1-1.5 घंटा पहले उसमें आग लग गई थी। स्थानीय पुलिस बल एवं फायर ब्रिगेड ने तत्परता के साथ उसे बुझा दिया गया है। किसी के मरने की सूचना बिल्कुल नहीं है। 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। सीएससी हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टर से बात किया, मामूली चोट थी। 2 अन्य लोग हॉस्पिटल नहीं आए हैं। ये दुकानें लाइसेंसी थी, 2025 तक रिन्यूअल है। यह भी बताया गया कि अभी पुलिस ने इनको चेक भी किया था। फिलहाल विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर टोपा गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक ट्रक चालक की मौत। इस दौरान थानाध्यक्ष विनोद जोशी ने कहा कि सुबह लगभग 4 बजे एक सूचना मिली थी कि एक सड़क दुर्घटना हुई है। जहां वो मौके पर पहुंचे तो इस सड़क दुर्घटना में पता चला कि ट्रक का टायर खराब हो गया था और वो नेशनल हाईवे पर ही टायर को बदल रहा था। तभी तेज गति से आ रहे पीछे से कैंटर चालक ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें कैंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक के अंदर बॉडी फंसी गई, जिसके बाद हाइड्रा मशीन मंगाकर कैंटर चालक को उस चेसिस के अंदर से निकाला गया है। मृतक की पहचान कर ली गई है, मुगरचौला उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना मिली थी कि जाफरपुर एनएस के पास जो है एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। इस सूचना पर जो हमारी पुलिस पार्टी थी मौके पर गई तो देखा तो एक कैंटर जो गैरतपुर की तरफ से आ रहा था वो सड़क किनारे एक जो एलपी ट्रक खड़ा था जो अपना टायर बदल रहा था उसका परिचालक, उसके पीछे से जाके वो टकरा गया, जिससे कि जो कैंटर चालक था वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 108 को मौके पर बुलवाया गया और उसको उपचार हेतु रुद्रपुर ले गया। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली अंतर्गत नेशनल हाईवे 2 के सुजनीपुर चौराहे के पास हाईवे किनारे बनी सुनसान एरिया पर अनिर्मित भवन पर जैसे ही आसपास के लोगों ने शतफीसद शव पड़ा देखा, एरिया में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वहीं तत्काल घटना की जानकारी
कोतवाली पुलिस को मिली तो आनंद फानंद पुलिस मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराने में जुट गई है। जनपद फतेहपुर के खाजा थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव में हाईवे के किनारे आज एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसमें उसके सर पे ईंट से मार करके हत्या करी गई है। इसकी पहचान कराई गई तो इनका नाम उमाशंकर शुक्ला, उम्र 50 वर्ष, केनी गांव के रहने वाले हैं और इनसे कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था। गाँव वालों ने बताया, परिवार वालों का भी कहना है कि बेटे से पटके नहीं थे। कुछ सस्पेक्ट लोग हैं जिनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। शव का ये यूनिट के द्वारा हमारा किया गया है। और अब खबर गोंडा से है, जहां महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर भाजपा सांसद भूषण शरण सिंह का विरोध जारी है। विरोध के क्रम में भाजपा सांसद गोंडा समेत आसपास के जनपदों के दौरे कर रहे हैं और लोगों से जनसमर्थन मांग रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बिहार, झारखंड और दिल्ली का दौरा भी है। इसी क्रम में भाजपा सांसद संतों के साथ बैठक कर आंदोलन को नई दिशा देंगे। नंदीनगर महाविद्यालय में भाजपा सांसद संतों के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा करेंगे। भाजपा सांसद ने कहा कि राज ठाकरे पर टीपी टिप्पणी की है और कहा कि राज ठाकरे हिंदू नेता नहीं बल्कि एक खलनायक है। राज ठाकरे हिंदू नेता नहीं है, इस समय देश का खलनायक है और विशेष करके उत्तर भारतीयों के लिए। मैं उसको हिंदू नेता नहीं मानता हूँ, खलनायक है। किस तरीके से आपने एक बयान दिया है कि उनको 5 तारीख को नहीं घुसने देंगे, क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से तैयारी बैठक की जा रही है? तैयारी बैठक के बारे में ये तो अभी आप आए हैं, चलिए वहीं पर देखिए। मैं जो भी फैसला करता हूं, ये मैंने एक न्यूज में देखा कि राज ठाकरे साहब का हृदय परिवर्तन हुआ है और जिन योगी जी की, जिन मोदी जी की वो अभी बहुत कम दिन पहले बुराई करते थे, अब वो तारीफ करने लगे हैं। हमीरपुर में शादी समारोह में 2 साल की मासूम की बच्ची के साथ दुष्कर्म से हड़कंप मच गया। कार्यक्रम में आए एक सन के अधेड़ ने इस घटना को अंजाम दिया। गंभीर हालत में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। राज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस थाना प्रभारी के साथ मौके पर हम लोग पहुंचे, वहां से बच्ची को बरामद करके, गाँव के एक ट्यूबवेल पर बच्ची पड़ी हुई थी, वहाँ से महिला हमारी कर्मी महिला उप निरीक्षक और महिला कांस्टेबल के द्वारा उसको CHC राठ लाया गया, जहां से उसको हमीरपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहां महिला कांस्टेबल के देखरेख में और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के देखरेख में बच्ची अपने परिजनों के साथ गई हुई है। परिजनों का ये आरोप है कि कल शाम को गांव में ही एक शादी समारोह था, जहाँ पर बच्ची खेल रही थी और गाँव के पड़ोस का ही खरेटा गाँव है, वहाँ का एक आरोपी है राम कुमार परिहार, वो बच्ची को लेकर के दूर चला गया। हम लोग रात में ढूंढते रहे, बच्ची नहीं मिली। सुबह हुआ जब व्यक्ति मिला, उससे पूछताछ में बताया कि बच्ची यहाँ पर है। राजनगर में सिपाहियों ने पेट्रोल डीजल गैस के दामों में हो रही महंगाई के विरोध में सिपाहियों ने रही बस स्टैंड से स्वामी ब्रह्मानंद जी के समाधि स्थल तक पैदल मार्च निकाला है। इस दौरान सिपाहियों ने नारेबाजी कर महंगाई पर लगाम की सरकार से मांग की है। पूर्व मंत्री चौधरी धुराम लोधी, सपा जिलाध्यक्ष राज बहादुर पाल, राजपूत चंद्रवती वर्मा, दानिश खान, रसीद राइन, सुलेमान अली, मोहम्मद समीम खान, मान सिंह यादव, प्रताप लोधी, ये तमाम लोग मौजूद रहे। यही है कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे राज्य विधानसभा कम से कम 1 लाख से ऊपर युवा है। हम युवाओं को बेरोजगार दिलाने की पद यात्रा है। आप देख सकते हैं कि महंगाई है चरम सीमा पे। जो 2015 में 60 रुपए का पेट्रोल मिलता था, आज के समय में 105 रुपए का मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ बढ़ गई है। सरकार गैस सिलेंडर फ्री दिया था सरकार ने कि हमारी जो माताएं हैं वो चूल्हे में रोटी बनाती हैं, तो चलो उनको धुआं लगता है, तो 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया। बताइए गरीब घर में, आप गांव में जाके देखिए, कोई सिलेंडर से रोटी नहीं बनाता, सब लोग चूल्हे में रोटी बनाता है, क्योंकि 1000 रुपए कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है मंथ। कन्नौज में खाकी के खौफ के चलते गैंगस्टर ने कोतवाली में समर्पण कर दिया। गैंगस्टर अपने नाना के साथ पीठ पर तख्ती टांग कोतवाली पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। समर्पण करने वाले शातिर गैंगस्टर को डर था कि कहीं पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे। क्या नाम है तुम्हारा? वसीम खान। ये पट्टी लटका के क्यों आए हो, क्या क्या कर रहा है?
पहले लगी थी तीन के क्षेत्र लगी थी उसमें गए थे एक बार जेल, उसके बाद गैंगस्टर लगी इसलिए अपने आप को सरेंडर कर दिया। क्या पुलिस दो तीन बार घर पर गई थी इसलिए सरेंडर कर दिया। क्या डर से पुलिस के जी कहीं गोली वोली ना मार दे जी। किसके साथ आए हो? नाना जी। सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान ने शिष्टाचार भेज के जिसकी तस्वीरें अटल सन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल के कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। सभी जनपदों के रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ और जीआरपी ने बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। ये कल के दिन रुड़की रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को एक लिफाफा मिला था, उसके अंदर कुछ स्टेशनों और कुछ तीर्थस्थल को 21 मई को बम से उड़ाने की एलेज्ड धमकी सी दी गई है और इसके उपलक्ष्य में मतलब इसके संदर्भ में सभी जो भी संस्थाएं हैं उनको अवगत करा दिया गया है, उनके द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सर किन किन स्टेशन को लेकर के ये इसमें कई सारे स्टेशन हैं जिसका मैं डिटेल्स आपको नहीं बता। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।